रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल आज और कल, यह सीरीज ग्रेट नोएडा शहर की वह दास्तान बताएगी कि कैसे ग्रेट नोएडा विकसित हुआ और कैसे यहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की समस्याएं आईं, उन सब लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। आज मैं अपने स्टूडियो में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चेयरमैन व सीईओ रहे रवि माथुर जी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं उनसे गुफ्तगु। सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, आपका मैं आभारी हूं इस वार्ता के लिए। सर, जब आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन का पदभार संभाला तो उस समय जब पहले दिन आप गए थे तो उस समय आपने क्या स्थिति देखी और किस किस तरह की चुनौतियों का सामना किया? आपने बहुत ही मजाकिया सा सवाल किया है। जी जी। क्योंकि मैं जब पहले दिन मैंने 10 जनवरी 1994 को कार्यभार संभाला था, मेरे उससे ग्रेटर नोएडा का गठन 1991 की जनवरी में हुआ था। जी जी जी। तो मेरे से पहले योगेंद्र नारायण जी रह चुके थे और नृपेंद्र मिश्रा जी से मैंने कार्यभार ग्रहण किया था। जी 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 जी। मैं मजाकिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा चार्ज देने ग्रेटर नोएडा जैसे आज जाना जाता है वहाँ नहीं गया था। हाँ हाँ। बल्कि नोएडा के सेक्टर 20 स्थित एक मार्केट में ग्रेटर नोएडा का कार्यालय होता था। हाँ हाँ। जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दुकानों को नोएडा अथॉरिटी ने बहुत ग्रेसफुली हम लोगों को किराए पे दिया हुआ था जी। और जिसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कार्य चलता था जी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अपना जो कार्यालय था हाँ। वो एक फील्ड ऑफिस जैसा था, जो कार्यस्थल पर जैसे दो बार टेंट वगैरह लगा के कच्चा कंस्ट्रक्शन करके कर देते हैं, जो आज अल्फा सेक्टर का कोना है जी जी। वहाँ पे 3-4 शेड बने हुए थे और वो उसमें गर्मी में बहुत गर्मी ना उसमें एसी ना कूलर वगैरह कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वो अलग की बात है। बट आपने जो पूछा नोएडा का कार्यभार मैंने नोएडा में लिया था क्योंकि एक तरीके से ग्रेटर नोएडा नोएडा का एक्सटेंशन है। हाँ हाँ हाँ। जी जी। और नोएडा की छत्रछाया में शुरुआत में ये पला, नोएडा अथॉरिटी ने हम लोगों को बहुत सहयोग किया जिसकी वजह से हमको जो भी कार्य होता था वो करना पड़ता था। जी जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा जो आज आप समझते हैं वो सोचते हैं कि परी चौक और उससे पहले जैसे ही आप DND पे क्रॉस करते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा में आते हैं तो आपको लगता है हरियाली कुछ और जगह से बेहतर है। जी जी। पहले से थोड़ी सी बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा नोएडा की हरियाली कम है। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा जगह ज्यादा है और वहाँ पे प्लांटेशन अच्छा हुआ है। स्थिति नहीं थी 1994 में कल जिसको आप कह रहे हैं। जी जी। 1994 में ग्रेटर नोएडा एंटर करने का एक ही रास्ता था और वो भी बहुत छोटा सा पुल था कुलेसरा नदी के ऊपर। जी जी जी। आपको शायद ज्ञात होगा, अवश्य ज्ञात होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो निर्धारण है सीमा का वो हिंडन नदी करती है। हिंडन नदी के उस पार ग्रेटर नोएडा और हिंडन नदी के इस पार नोएडा बसा हुआ है। जी बिल्कुल। तो हम लोग कुलेसरा के ब्रिज से होके जाते थे सूरजपुर और सूरजपुर मेन पॉइंट था एंट्री का। सूरजपुर पहले से एक औद्योगिक क्षेत्र था जो UP SIDC ने विकसित किया था और शायद अभी भी उन्हीं के पास है, UP SIDC के पास। अब उनका नाम कुछ परिवर्तित हो गया, UP SIDA हो गया है। जी जी जी। वहाँ पे कंपनी होती थी DCM टोयोटा, ये राजदूत वगैरह, ये उन दिनों थी जो बाद में परिवर्तित थी और वहाँ से शुरू होके अब ग्रेटर नोएडा के लिए एक सड़क बनी थी। बस जी, बहुत अच्छी सड़क बनवाई थी ग्रेटर नोएडा ने, चौराहा बनाया था सूरज के पुल के ऊपर और वहाँ करीब करीब क्या कहते हैं जहाँ आज होंडा सिटी है, होंडा सिटी की फैक्ट्री तक एक बड़ी चौड़ी रोड बनी थी और रोड के बीच में बहुत बड़ा वर्ष सेंट्रल वर्ष था और कोने पे प्लॉट प्लांटेशन की जगह थी। उस रोड में भी 1.5 किलोमीटर कम था जो सूरजपुर का से इलाका चलता था, वो नदी जो आती है बीच में छोटा सा नाला जो है जी जी। तो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका नाले का, वो नाले के ऊपर जो ब्रिज है वहाँ बहुत छोटा सा एक ब्रिज था, वो सड़क बन नहीं पाई थी क्योंकि सड़क के भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा था। जी जी। तो बस उसके आगे जाके ग्रेटर नोएडा का सड़क चौड़ी शुरू होती थी और बाई तरफ
ऑक्सीजन वगैरह की कुछ वैक्सीन थी और आगे चल के दुगलपुर गांव और ये सब गांव दिखाई पड़ते थे। तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था 1994 में के पूर्व, केवल सीमांकन आदि हो रहा था। वैसे तो अल्फा बीटा गामा तीनों हाउसिंग स्कीम्स मेरे पूर्वाधिकारियों के सामने आई थी और बहुत ही सक्सेसफुल रही, क्योंकि लोग ग्रेटर नोएडा है तो ये भी शायद नोएडा जैसा कुछ होगा, उनको दूर बैठे आइडिया नहीं होता था कि अभी यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो रहा है। गनीमत है, उनकी आशाएं पूर्ण हुई और धीरे ही काम शुरू हो गया। जी जी, उसमें अगर आप चाहें तो मैं बताऊं कि क्या समस्या थी कार्य प्रारंभ। हाँ हाँ जी जी, ऐसा था कि ग्रामीणों का कहना था कि हमको जो मुआवजा मिल रहा है करीब 54 रुपए मीटर या गज आए वो बहुत कम है, उनकी मांग बहुत वाजिब थी और हम लोगों ने बैठ के वार्ता की। ऐसा है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम का नियम होता है जिसके हिसाब से भूमि का मूल्य तय किया जाता है और भूमि का मूल्य तय किया जाता है पिछले 3-4 सेल डीड से, तो उस इलाके का रेट 33-35-40 इस तरीके से आ रहा था, फिर भी हम लोगों ने बढ़ा के 51 रुपए तक कर दिया था। लेकिन गांव वालों का कहना सही था कि नहीं, ये रेट बहुत कम है, आप तो इससे कई गुना कमाएंगे, हमको भी कुछ दीजिए। तो हमने पूरे गांव वालों को बैठा के चर्चा की, वार्ता की और एक नियमित जो आज तक चल रहा ही प्रथा, एक दाम फिक्स कर दिया। जैसे भारत सरकार खेती के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, हमने एक नियमित प्राइस फिक्स कर दी 110 रुपए प्रति स्क्वायर गज। जी जी, गांव वाले इससे बहुत खुश है क्योंकि उनको मिलने वाली जो धनराशि थी उससे दुगनी से अधिक थी। जी और जी, उन्होंने काम पे जो रोड़े अटका रहे थे उसको मना कर रहे थे, कहते नहीं ट्रैक्टर नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, सब उन्होंने हटा दिया। बहुत सहानुभूतिपूर्वक हम लोगों को सहायता की और उसके बाद ये निर्माण कार्य सब वहाँ पे प्रारंभ हुए। सर उस समय नोएडा में जो अच्छे पॉइंट मैं आपको बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा एक तो उसका पॉइंट ये है कि वहाँ पानी बहुत अच्छा है। नोएडा के कुछ क्षेत्रों में खारा पानी की समस्या रहती है, जी जी, वो नहीं है वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। दूसरा, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में शुरू से सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया गया है, तो वहाँ की सड़कें हर सेक्टर में चौड़ी हैं और अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नैरो रोड हो। तीसरी बात है, वहाँ पे हमारे पूर्वाधिकारियों ने निर्णय लिया था श्री योगेंद्र नारायण जी ने और श्री नृपेन्द्र मिश्रा जी ने कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइनिंग होगी, जो भूम लाइन पड़ती है बिजली की, वो भू क्या कहते हैं अंडरग्राउंड होगी। तो ये अपने आप में पूरे प्रदेश में पहला प्रयास था जहाँ अंडरग्राउंड लाइनिंग हो रही थी और ये बहुत महंगी होती है, जो ओवरग्राउंड तार लगते हैं ना खंबे पे, जी जी, ये तो उससे 3 गुने महंगी होती है। हाँ। लेकिन ये एक अपने आप में एक, मैंने अपने पूर्वाधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इतना क्यों, उन्होंने कहा देखिए हम लोग एक आदर्श शहर बना रहे हैं और इसमें शुरू से ही आदर्श नियम बनाना उचित होगा। मुझे भी लगा कि वो दोनों बहुत सही बात कह रहे हैं और मैंने भी उसी प्रथा को पालन करते हुए अभी तक वो चल रही है जी जी, कि वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ। फिर ग्रेटर नोएडा जो था, एक सूरजपुर की वजह से एक औद्योगिक क्षेत्र पहले से था जिसका जिसके लिए अप्रोच वगैरह कम थी वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मेरे काल में अंत तक वहाँ पे वो डाइवू मोटर्स आई, जो अब जिसका नाम आप नहीं सुनते हैं, वो डीसीएम टोयोटा की फैक्ट्री होती थी, संभवतः आपको भी नहीं याद होगा, आप बहुत छोटे रहे जी जी जी, कि वहाँ पे डीसीएम टोयोटा की फैक्ट्री होती थी, राजदूत बाइक की फैक्ट्री होती थी, तो वो सब जो थी वो बाद में परिवर्तित हुई और नई नई उसमें यूनिट आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो उत्सुकता है ग्रेटर नोएडा के बारे में, क्योंकि हम वृहद स्पेस उपलब्ध है काफी दिनों से थी, इसीलिए मैंने होंडा को जो प्लॉट है वो अलॉट किया और वो होंडा ने अपना प्रोडक्शन 95-96 के बाद से शुरू भी किया हुआ। तो मतलब एक तो देखिए एक अप्रोच केवल ब्रिज था, ब्रिज था, दूसरा मतलब अब आजकल ग्रेटर नोएडा की आबादी लगभग 8 लाख है मेरे ख्याल से, जी जी, और इसका जो क्षेत्रफल है 150 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। तो उस समय केवल ग्रामीण आबादी यहाँ उपलब्ध थी, एक भी घर मतलब जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है या
अल्फा बीटा गामा इसमें नहीं था और हमने फिर डेल्टा स्कीम प्रारंभ की जी। और डेल्टा स्कीम का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। जैसे हमने प्लॉट निकाले थे एक सेक्टर के हिसाब से करीब 1200 या ऐसे प्लॉट थे और जो अलॉट एप्लीकेशन आई वो आई इससे 4 गुना। तो हमने कहा कि हम किसी के पैसा वापस नहीं करेंगे, ये व्यापारिक डिसीजन भी था और एक ये भी था कि इससे नोएडा को बसाने में सहायता होगी। हमने सारे लोगों को जब प्लॉट अलॉट कर दिया जिसने भी अलॉट एप्लीकेशन दी और उस धनराशि का उपयोग पुराने सेक्टर्स को बसाने में विस्तृत करने में और ठीक करने में लगाया। जी जी। तो सर आपने उस समय शायद एक आईटीआई की भी प्लान किया था और एक रोजगार केंद्र भी स्थापित कराया था। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे बात की बात है जी। मैंने तो एक तो देखिए जो मुख्य चीज थी वो दो चीजें थी जी। एक तो जो आज गोल्फ कोर्स आप देख रहे हैं जेपी गोल्फ कोर्स जी, इसका आवंटन मेरे सामने हुआ था, मतलब जेपी को नहीं हुआ था, इसका निविदाओं के बाद आवंटन हुआ था स्टर्लिंग नाम की एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी को। वो बहुत उस समय तेजी पे थी और बहुत अच्छी चल रही थी, बाद में पता नहीं किन कारणों से कंपनी खत्म हो गई या खत्म तो नहीं हुई बट बहुत कमजोर पड़ गई। तो ये फिर जेपी वालों ने उनसे ये गोल्फ कोर्स खरीद लिया था। उस समय एक प्राइवेट सेक्टर में गोल्फ कोर्स की स्थापना अपने आप में एक अनूठा प्रयास था और जो आज आप देख रहे हैं वो सफल रूप से वही, मतलब अब वो जो परी चौक का चौराहा है उसमें जो गोल्फ कोर्स है वो उस समय का प्रारंभ किया गया है जी। इसको जैक निकोलस नाम के एक बड़े गोल्फर ने काल्पनिक इसका रूप बनाया था और शुरुआत उसी ढंग से इसकी हुई थी। ये एक तो ये है। दूसरा, प्राइवेट बिल्डर्स को प्रोत्साहित करके प्लॉट आवंटित करना, ये भी निविदा के द्वारा वहाँ पे जो P1, P2, P3 वगैरह है उसमें निविदाएं आमंत्रित करके प्लॉट आवंटित किए गए थे। देखा से 1-2 प्लॉट अंचल को या किसी को उन दिनों मिले भी थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा बाकी कुछ नहीं मिले जी जी। तो ये जो डेवलपमेंट की कहानी है सर, इसमें आपका जो आपने गोल्फ कोर्स का बताया उसके अलावा कोई ऐसी चीज आज भी आपके दिमाग में है कि अगर ग्रेट नोएडा में ये हो जाए तो बेहतर होगा, जो समय की प्लानिंग रही होगी? देखिए ऐसा है, आपने एक बात याद दिला दी जो मैं कहना भूल गया था। ग्रेटर नोएडा का ट्री प्लांटेशन है जी, ये इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे बड़ी पहचान है। और ये जो ग्रीन रख रहा है इसको, ये मेरे सामने प्रारंभ हुआ था। हमने पहले ट्री प्लांटेशन प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू पहली बार किया था और निविदाएं आमंत्रित करके अच्छे अच्छे ट्री प्लांटर्स को बुलाया था। ये सारे रोड्स के साथ जो आप ट्री प्लांट देख रहे हैं ये उसी समय के लगे हुए हैं जो अब बड़े होके छाया दे रहे हैं और सिटी को इसका ग्रीन लुक दे रहे हैं। तो और तीसरी चीज थी प्राइवेट सेक्टर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जी जी जी। ये हमारे पूर्वाधिकारी श्री नृपेंद्र मिश्रा जी के सामने शुरू हुआ था। ये कैलकाटा बेस्ड एक कंपनी है, उसको ये ठेका मिला था ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट सेक्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का। वो अभी भी चल रहा है, अच्छा है बुरा मैं नहीं जानता बट वो चल रहा है। वो अपने आप में एक अनूठा प्रयास था जी जी। आज भी सर जब हम देखते हैं ग्रेट नोएडा को 30 साल हो गए हैं और जो मास्टर प्लान के मुताबिक जो ग्रेट नोएडा की परिकल्पना थी उसके हिसाब से वो चल रहा है, तो आज आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आने वाले 10-20 सालों में जब ग्रेट नोएडा का पूर्ण तरह विस्तार हो जाएगा तो किस तरह का काम आज की जो प्रशासनिक मशीनरी है उनको करना चाहिए? देखिए प्रशासनिक मशीनरी लगातार अच्छा काम कर रही है जी। और ग्रेटर नोएडा का विकास बिल्कुल प्लान सिटी के रूप में लगातार चल रहा है, इसमें कोई विचलन नहीं हुआ है जी जी। और अब जो नया कोर्स है वो जेवर एयरपोर्ट को लेके ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विकास उससे होगा। और वो ये दूसरा जो फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है जी और FNG एक्सप्रेस वगैरह है जी, ये सब अपने आप में बहुत बड़े ट्रिगर्स है जो ग्रोथ को और प्रोत्साहित करेंगे और आगे ले जाएंगे जी 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 जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर ग्रेट नोएडा शहर के अनकहे किस्से हमारे साथ शेयर किए। सर माथुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में 1994 से 1995 तक चेयरमैन व सीईओ के रूप में काम करने वाले रवि माथुर जी से ग्रेट नोएडा शहर की वह दास्तान हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कल आज और कल ग्रेट नोएडा। यह सीरीज लगातार आपको सुनने को मिलती रहेगी और दिलचस्प किस्से ग्रेट नोएडा शहर के बसने के। आप हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहें, सुनते रहें रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।